हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मैं मोहम्मद रिजवान कैंटन मिशिगन से बात कर रहा हूँ। जी जी रिजवान साहब बोलिए, आप बोलते रहिए, अपना सवाल पूरा करें। जी जी मेरा सवाल ये था, मैं मेरा बेटा है मोहम्मद रैयान खान उसका नाम है, और उसकी उम्र तकरीबन 12 माह के करीब है, और उसका वजन जो है वो तकरीबन 17.5 पाउंड के करीब आकर जो है ठहर गया है और मजीद नहीं बढ़ा। मेरी वाइफ जो है वो यानी मुस्तकिल कोशिश कर रही हैं, और पीडियाश्योर जो है बच्चों के लिए अवेलेबल होता है वो पिला रही हैं, और पूरा दिन जो है एहतमाम करती हैं कि बच्चा खाए पिए, और वो बजाय खाता पीता भी है लेकिन वजन जो है वो ठहर गया है। तो इस सिलसिले में अगर मुफ्ती साहब कोई वजीफा या कोई दुआ वगैरह हमें बता सके तो बड़ी मेहरबानी होगी। अल्लाह ताला आपको अजर अजीम अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। माशाल्लाह, उसके लिए नोट करें सूरत आराफ आयत नंबर 57, सूरत आराफ आयत नंबर 57, ये आपने रोजाना जो है वो 21 दफा पढ़नी है। 21 दफा पढ़ के थोड़े से शहद पे दम करना है, और शहद जो है वो उसको चटा देना है। जो टी स्पून आधा ले लें तो आधा टी स्पून शहद दम करके उसको चटा दिया करें, और उसके ऊपर उसके कानों में ज़ोर ज़ोर से 3 फूंके मार दे, बदन पे हाथ फेर दिया करें। ये शुरू कर लें, इंशाल्लाह उसकी भूख भी खुलेगी और उसका जो है वो वज़न भी बढ़ेगा और इंशाल्लाह कैफ़ी दुरुस्त हो जाएगी। और ये 41 डेज़ की नींद से शुरू कर लें, इंशाल्लाह मैं भी दुआ करता हूँ अल्लाह उसको सेहत व आफियत शिफा अता फरमाए। बहुत शुक्रिया।